कैमरा की ओर देखा गया तो काफी बड़ी छलांग कैमरा सेंसर में देखने के लिए मिल सकता है। लगभग 1 इंच की कैमरा सेंसर इस स्मार्टफोन में होने वाली है, जो मेनली कैमरा सेंसर सोनी IMX9 सीरीज कहा जा रहा है, जो लगभग सिमिलर रहेगा सोनी IMX989 जो रिसेंटली शाओमी 12S अल्ट्रा या फिर ओप्पो फाइंड X9 प्रो के अंदर देखने के लिए मिला था। कुछ ऐसे ही मिलता जुलता वाला कैमरा मेन प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ हमको देखने के लिए मिल जाएगा। पर इतना ही होता तो भी मैं मान लेता। इसके अंदर नया कैमरा 64 मेगापिक्सल की OV64B पेरिस्कोप लेंस देखने के लिए मिल रहा है। एक खासली डिजाइन किया गया है ओमनी विजन की तरफ से। शायद आप लोग इसकी नाम पहले बार सुन रहे होंगे या फिर सुन चुके हो तो बहुत बढ़िया है। बहुत ही दिन हो गए कि लेटेस्ट लीक्स और रूमर्स के बारे में बात करते हुए। लेटेस्ट वन प्लस की तरफ से आने वाला वन प्लस 12 प्रो मैक्स स्मार्टफोन जल्द ही इसी साल एंडिंग तक चीन के मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगा। आप लोग पूछोगे कि कंफर्मेशन क्या है, चीन की वेबसाइट है वेबो, आप लोग मान सकते हो चीन की गूगल, वहां पर जो लीकर्स और टिप्स्टर से इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वन प्लस 12 स्मार्टफोन दिसंबर एंडिंग तक सबसे पहले चीन के अंदर लॉन्च हो जाएगा और भारत के साथ साथ ग्लोबल मार्केट के अंदर ये स्मार्टफोन जनवरी आने वाले साल शुरुआत में देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग पूछोगे कि स्मार्टफोन में ऐसी क्या खास बात होने वाली है जो दूसरे स्मार्टफोन में नहीं है। पर जितने भी स्मार्टफोन में उनमें से सिमिलैरिटी तो बहुत सारे है, पर कुछ ऐसे फीचर्स भी है जो आप लोग हट कर कह सकते हो। ये स्मार्टफोन में 2K पैनल वाला सैमसंग कर्व डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे खास बात आप लोगों को बताऊं तो वन प्लस 12 के अंदर मोस्ट प्रोबेबली यही कहा जा रहा है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला चिपसेट यानी कि प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है। पर इतना ही होता तो काफी बढ़िया होता, पर इससे भी बढ़कर इतने सारे फीचर्स है उसको आप लोग जानना बहुत ही जरूरी है। पर उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक करके आपके फ्रेंड्स के साथ या फिर फेसबुक व्हाट्सएप शेयर कर दो। अकॉर्डिंग टू चीन की वीबो वेबसाइट, वहां पर यूजर्स ने यानी कि ट्विस्टर ने ये कहा था कि ये स्मार्टफोन के अंदर पंच होल सेल्फी डिजाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो प्राइमरली 42 मेगापिक्सल की कैमरा सेंसर हो सकता है। काफी अच्छी बात है, इतना सारा फीचर देना वो भी भर भर कर बहुत ही बढ़िया रहेगा। पर मेनली स्मार्टफोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी परफॉर्मेंस दी जाने वाली है, जो रिसेंटली वन प्लस की तरफ से जितने भी स्मार्टफोन से अगर उनके साथ इस फोन को कंपेयर करोगे तो काफी बड़ी छलांग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पर इतना ही नहीं, इस स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए 150W की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट यानी कि स्पीड आपको देखने के लिए मिल रहा है। काफी सारे लीक्स और रूमर्स ऐसे भी आ रहे हैं इसी स्मार्टफोन के साथ साथ वन प्लस की तरफ से फोल्डेबल स्मार्टफोन, रोलेबल स्मार्टफोन भी लॉन्च की जा सकती है। पर इसके बारे में अभी के लिए ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर आप लोगों को लेटेस्ट लीक्स हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है। कैसा लगा है कमेंट्स करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब हाँ जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलो। मिलता हूँ आपको और एक वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।